नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उसमें महिलाएं पीछे नहीं है। महिला विंग की प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष यास्मीन सेरानी पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने उनके बंगले पर। यास्मीन ने बताया कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान के नेतृत्व में किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किन बिंदुओं को लेकर वह जनता के सामने जाएंगी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में जो जननी योजना, कन्यादान योजना चलाई हैं, उन सभी योजनाओं को जनता को बताएंगे। कोरोना काल में महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं, हम उनसे बात करेंगे और मतदान के लिए जागरूक करेंगे। तो 28 विधानसभा पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज हम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने आए थे और जो उन्होंने विधानसभा की जो जवाबदारियां दी है उस जवाबदारियों को हम निभाते हुए हम सर को बताना आए थे कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है मांडवी चौहान जी, जो लगातार महिला कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर हम चुनाव में काम कर रहे हैं। जो महिलाओं के लिए माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो योजनाएं महिलाओं के लिए दी थी, जननी योजनाएं, कन्यादान योजनाएं, वृद्धा पेंशन योजनाएं, पर आज जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने महिलाओं को सारी योजनाओं से वंचित किया है। हम महिला कांग्रेस कंधा से कंधा कांग्रेस से मिलाकर हम इन योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाएंगे। जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी, जो आज किसान आत्महत्या कर रहे उसकी बात है, तो हम महिला कांग्रेस एक एक विधानसभा में जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे, वापस कमलनाथ जी की सरकार की आवाज बुलंद करेंगे। कोरोना काल में महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, घर में रही हुई हैं, वो मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचेंगी, इसको लेकर के महिला कांग्रेस क्या रोड मैप बना रही है? महिला कांग्रेस सशक्त मजबूत, महिला शक्ति मजबूत रहती है और महिलाओं ने बीड़ा उठाया है कि हमारी बहनों को कोरोना का जो एक प्रोटोकॉल उसको हम फॉलो करेंगे और हम जो महिलाओं को घर घर और चौके चौके तक जाकर हम महिलाओं को बताएंगे कि हमें मतदान करना है। अगर हम मतदान नहीं कर पाएंगे तो जो महिलाओं के जो महिला असुरक्षित पैदा हो रही है वो महिलाओं के साथ, आज महिलाएं सेफ नहीं है, महिलाओं के साथ जो बढ़ते अत्याचार है, बढ़ते रेप है, हम सारी चीजें हमारी महिला बहनों को बताएंगे तो जरूर वो मतदान तक जाएगी और अपना मत अधिकार का उपयोग करेगी और मतदान करेगी। तो महिला कांग्रेस प्रियंका गांधी अभी व्यस्तता है, अभी उनका कार्यक्रम बनानी है, पर हम चाह रहे हैं कि वो जरूर हमारे मध्य प्रदेश में आएगी और हमें उम्मीद है कि वो आएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।